जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलो आज जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और फ्रेश होकर नहा के रेडी हो जाते हैं। आज मैं आपको एक अलग जगह घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, ठीक है? उस जगह का नाम है बड़गागरा। मैं आपको अलग जगह घुमाने के लिए लेके जाऊंगा। चलो, और ये भाई महाराज जी को देखे। सो फ्रेंड्स, ऑल रेडी। अभी निकलने का टाइम हो गया है तो फटाफट निकलते हैं। अपना ट्राईपॉड रेडी है, अगर कुछ चार्जिंग की इशू होगा तो बैटरी रेडी है, और साथ में एक्शन कैमरा रेडी है। सो निकलते हैं फटाफट, जल्दी से आपको मैं उस जगह पे लेके चलता हूँ जो खूबसूरत जगह है। चलो बाय। भाई लोग, आज ब्रेकफास्ट आप देख रहे हो। ब्रेकफास्ट में है वड़ा, चटनी, उपमा और उसके साथ मटर की सब्जी और चटनी। तो दोस्तों, अभी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म है, पेट पूजा हो गया, अब निकलते हैं सीधा वाटरफॉल की तरफ। चलो। तो आप जैसे देख रहे हो यार, हेलमेट पहन के भाई बाल का साला कचरा हो जाता है यार, लिटरली। घर से साइज वाइज करके आया था, बेकार हो गया। चलो। सो ये मेरे पीछे जो है ना, वो कोलकाता, इस तरफ कोलकाता है और मैं आपको उस तरफ का दिखा रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ, उस तरफ जो है ये है बेसिकली, इस तरफ मुंबई। तो ये है कोलकाता मुंबई हाईवे। तो यार, अपन यहाँ से आपको, यहाँ आपको पीछे देखो दिख रहा होगा अंजर ढाबा। सो यहाँ से बेसिकली अपन अंदर जाएंगे, देखते हैं रास्ता कैसा है और वाटरफॉल तक चलते हैं और मौज लेते हैं।
तो दोस्तों ये यहाँ पे एक छोटी सी अब नहर बना दी गई है, शायद ये किसानों के लिए बना दी गई है कि नीचे की जो किसान है, जो पानी ऊपर से आ रहा है ना, मैं वो प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा। बेसिकली वो प्रोजेक्ट किसानों के लिए ही बनाई गई है कि ताकि नीचे उनको प्रॉपर पानी मिले और उनकी जो खेती है खेती में मदद हो। तो अब मैं आपको थोड़ा वो पहले प्रोजेक्ट की तरफ दिखाने के लिए ले जाऊंगा, वो प्रोजेक्ट फिर मैं जब आपको दिखा दूंगा फिर मैं आपको वाटरफॉल की तरफ लेके जाऊंगा। ये काफ़ी बड़ी प्रोजेक्ट है, चलो चलते हैं पहले प्रोजेक्ट की तरफ। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो वो बड़ी प्रोजेक्ट है, और अब हम सीढ़ियों पे चढ़े चढ़ाई करेंगे। यहाँ पे बेसिकली ये डैम बनाया गया है, और ये डैम से भाई सीढ़ियाँ देख रहे हो, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के आज मेरी पूरी कैलोरी बर्न होने वाली है। सीढ़ी चढ़ने में ना मेरा दोस्त हरेंद्र माहिर है, वो मस्त सीढ़ियाँ चढ़ेगा, वो तो ऐसे चढ़ जाएगा भैया, पावर हाउस है वो। हाँ बस अब पहुंचने ही वाले हैं। देखो गजब नज़ारे हैं भैया, ये पूरी बांध यहाँ पे बांधी गई है, और व्यू थोड़ा ऊपर से देख सकते हो, मैं आपको स्लोली दिखा रहा हूँ वो व्यू। ये पूरा व्यू है, ये नदी वैसे आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो मैं आपको बैक कैमरा में शो कर रहा हूँ, ये नदी आ रही है उस तरफ से बह के आ रही है बेसिकली, और यहाँ पे उसको बांध बांधा गया है, मतलब प्रॉपर डैम की तरह। पहले मैं और एक भी जगह आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे बिजली उत्पादन की काम भी होती थी, अब हो रही है नहीं हो रही है आई डोंट नो, स्कूल के टाइम पे जब मैंने देखा था तो ये होती थी, बट अब हो रही है नहीं हो रही है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से पूरी जो नीचे की जो सिटी है उसको वहाँ पे वाटर सप्लाई होता है ये। यहाँ पे आओ आराम से बैठो, टाइम स्पेंड करो, क्या मस्त व्यू है भाई, मस्त व्यू है। तो दोस्तों मैं अभी उस वाटरफॉल की जगह के पास पहुंच गया हूं, और काफ़ी आप देख सकते हो मेरे पीछे का ये एकदम बिल्कुल सुनसान जगह है, बिल्कुल सुनसान जगह है, ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल सुनसान जगह है। और यहां से मैं आपको टिल्ट कैमरा करके दिखा देता हूं, वन सेकेंड। तो यहां से आगे और मतलब बाइक ले जाने का कोई जगह है नहीं, तो ये रास्ता पैदल
निकालना पड़ेगा भैया। चलो चलते हैं फिर। ये छोटी सी झरना है बहती हुई आ रही है और अपन इसको पार कर लेंगे। ये मैं जो आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि ये एक जगह था जहाँ पे विद्युत उत्पादन का काम होता था। अब मुझे ये नहीं पता है कि अब ये हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो भैया देखते हैं हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या जगह है भाई। मैं तो यहाँ पे आके घंटों बिताता था घंटों बिताता था मैं यहाँ पे आके। अल्टीमेट लगता है मुझको ये जगह। मतलब क्या बोलूँ मैं, गजब की शांति महसूस होता है यहाँ पे मुझे। पानी की आवाज़ आपको आ रहा होगा नहीं दोस्त? पानी की आवाज़ तो आपको आ ही रहा होगा। जो पानी की आवाज़ आ रहा है ना वो है वाटरफॉल। वाटरफॉल है भैया वाटरफॉल। वाटर गिर रहा है और अपन मजे लेने के लिए आए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको एक जबरदस्त जगह पे लेके चलूंगा। जबरदस्त भैया बस पैर ना फिसले जबरदस्त की चक्कर में तेरी। ओए तेरी साला कमांडो बन गया बे मैं। ओए तेरी आए भैया ये जगह लिटरली बहुत औसम लगता है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। ये जगह मेरे को देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ग्रैंड कैनन है। थोड़ा नहीं लग रहा है कि ऐसा ग्रैंड कैनन है। ये बिल्कुल अल्टीमेट है भाई। बैठो मजे करो।
घर सब वैसे ही छोड़ छाड़ के लोग निकल गए हैं। नीचे उतर के यहाँ पे कुछ टाइम बैठेंगे वाटरफॉल के पास, मजे लेंगे। तेरी साला पत्थर। सामने से जाता हूँ, आपको व्यू ना उस तरफ से अच्छा आएगा। हाँ अब मैं आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ट्राई करूँगा उसके पास जाने के लिए, आई डोंट नो कितने पास जा सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बस ये जगह देखो, अल्टीमेट है ये जगह, अल्टीमेट जगह है ये। क्या है भाई क्या है। और इस तरफ है आपका वाटरफॉल। चलो चलते हैं थोड़ा उसके नजदीक। ओ तेरी, ये तो भाई देखने से भी भयानक लग रहा है। ये जगह देखो भाई, इस जगह को मैं लिटरली देख रहा हूँ ना, मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। मतलब यही मेरा बचपन है लिटरली। मतलब मैं दोस्तों सोचता भी नहीं था कि यहाँ से निकल के यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से फिर आगे, मैं ऐसा सोचता भी नहीं था। कहाँ पे जाने के लिए कैसे हो सकता है, इस तरफ ये पहाड़ी, इस तरफ चढ़ने पे हो सकता है शायद। आगे तक तो भाई भाई बस तैर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं लग रहा है, ज़्यादा गड्ढे वड्ढे हैं और पॉसिबल नहीं लग रहा है। सूरज की किरणें थोड़ी थोड़ी छाँव को भेदते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं। ओ भाई ये बड़े बड़े पेड़। चलो थोड़ी देर बैठते हैं और बैठ के आनंद लेते हैं इस सौंदर्य का। अल्टीमेट अल्टीमेट अल्टीमेट। दोस्तों भूख बहुत ज़ोर से लगने लग गया था। ये यहाँ पे जस्ट मतलब वहाँ से जैसे पहाड़ी से आप निकल के आ रहे हो ना और NH टच कर रहे हो, तो यहाँ पे एक छोटी सी ढाबा है, अंजर ढाबा। बेसिकली एक खाली ढाबा नहीं, ये ढाबा ये बार कम रेस्टोरेंट है। मतलब खाना और साथ में थोड़ी गुड़क गुड़क भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं कुछ खाना वाना मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी बना है नहीं मिला है, क्या मिलता है, चलो देखते हैं। भाई मैंने ऑर्डर कर दिया है चावल, मटन, पापड़ और कुछ सलाड वालाड देगा, पहाड़ी मटन होगा। चलो देखते हैं फिर कैसा टेस्ट है। और पीछे देख रहे हो झूला वूला है, थोड़ा झूला खेलेंगे।
खेलते हैं झूला थोड़ा। भाई खाना तो ऑसम था, टेस्टी था भाई, मटन ज़बरदस्त था, थोड़ा मिर्ची ज़्यादा था बट अल्टीमेट था। तो अब घर के लिए निकलते हैं, और जाते वक्त मैं आपको पूरी रास्ता पूरी घाटी दिखा दूँगा। तो निकलते हैं घर की तरफ और फिर घर पर मिलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आपको कैसा लगा। मैं आपको और न्यू बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा, आपको देखने को भी अच्छा लगेगा। और फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, बोलो जय हिंद। यस।